नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रोहित खुदकुशी मामले में इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के अलावा SC ST हॉस्टल के वार्डन ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये ऐलान उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों के मन से किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के दलित अधिकारी और कर्मचारी स्मृति ईरानी के उस बयान से नाराज हैं जिसमें कल उन्होंने ये कहा था कि पूरे मामले को दलित बनाम गैर दलित का रंग ना दिया जाए। साथ ही उन्होंने वार्डन से लेकर छात्रों तक की जाति का जिक्र किया था। तब इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। छात्र नाराज हैं स्मृति ईरानी के बयान से जिसमें उन्होंने दलित बनाम गैर दलित की बात कही थी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चीफ मेडिकल ऑफिसर ने अब इस्तीफा दे दिया है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर का भी इस्तीफा आ चुका है। हॉस्टल के SC ST वार्डन ने भी अपना पद छोड़ दिया है। सभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टाफ में शामिल हैं और इन सभी ने विरोध दर्ज कराने के चलते इस तरह से इस्तीफा दिया है। टोलो न्यूज के हवाले से आई खबर के मुताबिक दारुल अमन रोड पर यह धमाका हुआ है। चश्मदीदों की माने तो यह धमाका कार में हुआ है। काबुल में रूसी दूतावास के बाद